डीएनए में हमारा आज का पहला विश्लेषण आपको और आपके पूरे परिवार को सावधान करने वाला विश्लेषण है। ये आपके सुखी और स्वस्थ जीवन से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर है और इसलिए मेरी कही एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात तो आप जानते होंगे कि डॉक्टर के पेशे को दुनिया के सबसे सम्मानजनक पेशों में गिना जाता है और डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूत कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर इंसान को रोग मुक्त करता है। इसलिए आज भी भारत में डॉक्टर्स को डॉक्टर साहब कहकर संबोधित करने का संस्कार है। लेकिन हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वक्त के साथ साथ डॉक्टर्स की दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स की दुनिया में पैसा कमाने वाले साहबों और फर्जी डॉक्टरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। मरीज और डॉक्टर के संबंध वैसे तो जन्म जन्मांतर के होते हैं, क्योंकि इंसान जब भी बीमार पड़ता है उसे सिर्फ डॉक्टर का चेहरा ही याद आता है। आपको भी आता होगा, लेकिन किसी डॉक्टर के चेहरे पर यह नहीं लिखा होता कि वो असली डॉक्टर है या फिर झोला छाप डॉक्टर। इसलिए आम लोग नकली डॉक्टर्स को पहचान नहीं पाते और उनसे इलाज करवा कर मुसीबत में फंस जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के नोएडा के सरफाबाद गांव में, जहां रहस्यमय बुखार की वजह से पिछले 30 दिनों में 12 लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज्यादा लोग इसी रहस्यमय बुखार से पीड़ित हैं। और इस रहस्यमय बुखार का झोला छाप डॉक्टर से गहरा संबंध है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके में जगह जगह जाकर लोगों के ब्लड सैंपल इकट्ठा कर रही हैं, ताकि ये पता चल सके कि इस रहस्यमय बीमारी की मूल वजह क्या है। लेकिन जब जी न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची तो वहां हमें इस रहस्यमय बीमारी का वो सच पता लगा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस गांव के लोगों की मौत की वजह फर्जी डिग्रियां भी हो सकती हैं। ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज के संवाददाता पवन नारा जब इस गांव की गलियों में घूम रहे थे तो वहां चारों तरफ फर्जी डॉक्टर्स की दुकानों का शटर खुला हुआ था। कई फर्जी डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो जी न्यूज का कैमरा देखते ही अपनी फर्जी डिग्री वाली दुकान का शटर डाउन करके वहां से भाग खड़े हुए। हमारी टीम को इस गांव में 10वीं पास और 12वीं पास डॉक्टर भी मिले, जिन्होंने मरीजों की जिंदगी का डी एंड करने वाली फर्जी दुकानें खोल रखी थी। वैसे तो ये खबर नोएडा के एक छोटे से इलाके से आई है, लेकिन इसका दायरा देशव्यापी है। ये आपके जीवन को भी छूती है, इसलिए इसका वीडियो विश्लेषण आपको आज जरूर देखना चाहिए। और इसके बाद हम आंकड़ों के जरिए इस पूरे विषय को आपके लिए डीकोड करेंगे। सरफाबाद गांव में बुखार से लगातार मौत हो रही है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ पर भरमार है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? 10 क्लास तक। कौन सी डिग्री है आपके पास? हम लोग फिजिशियन है। फिजिशियन की? कौन सी फिजिशियन की डिग्री? सिंपल है, कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं है, आप फर्जी डॉक्टर हैं। जो भी आता है उसको यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, सिरिंज और ग्लूकोज। आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यहाँ लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बैंडेज की जाती है। जैसे ही हम सड़क पर निकले हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक फर्जी क्लिनिक है, यहाँ पर भी एक फर्जी क्लिनिक था, अभी शटर डाउन करके गए हैं। वो किसकी दुकान है? मेरी ना है। स्थानीय लोग तो बता रहे हैं आपकी है। कौन सा स्थानीय लोग बता रहा? कौन सा बता रहा है? ये नोएडा के सरफाबाद गांव की तस्वीर है जहां कैंप लगाकर लोगों का इलाज हो रहा है। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में तेज बुखार से पिछले 30 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस मौत की वजह क्या है किसी को पता नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या बीमारी कुछ समझ में आ रहा है? कोई कुछ नहीं बताता, बस इंजेक्शन पिल देते, दवाई देते, देखा और आराम हो जाए। दवाई खाते रहते ठीक है, दवाई खाना छोड़ दो। जैसे 16 तारीख से कारा कल नहीं खाई, कल से ये फिर स्थिति होगी। माँ बीमार है, मेरी वाइफ भी बीमार है, एक हमारी लड़की है छोटी वो भी बीमार है। ये पता नहीं चल रहा कि चार लोग ठीक हो रहे हैं तो चार ही तैयार फिर खड़े मिल रहे हैं, भी बुखार से पीड़ित। इस रहस्यमय बुखार का शिकार हर उम्र के लोग हो रहे हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग। ये कोई नई समस्या नहीं है, पिछले 3 साल से यहाँ यही हालात है।
चिकनगुनिया, चिकनगुनिया नाम घोषित कर रखा है जी। हाँ चिकनगुनिया है और उसके साथ में प्लस वो भी डेंगू का भी कुछ वो कुछ वायरल बोल देते हैं। डॉक्टरी दहशत में है क्योंकि वो बुखार का, क्योंकि डॉक्टरी बीमार हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, अब वो फेल हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। इस बार तो सरफाबाद में हालात इतने खराब हैं कि सीएमओ को खुद कैंप लगाना पड़ा। डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं हालत चिंताजनक है और बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। चिकनगुनिया में पेशेंट की डेथ बहुत होता रेयर होता है, तो इसलिए अब डायग्नोसिस करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्या है मतलब एक्चुअल। नोएडा के सरफाबाद में दहशत है तो लखनऊ में भी हलचल है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दावा है कि वो खुद पूरी जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्हें इस बुखार को रहस्यमय बुखार कहे जाने पर आपत्ति है। रहस्यमय जो आप लोग बोल करके चैनल के लोग, वो उसको पैनिक न बनाइए, ये मेरा आपसे गुजारिश आप लोग चैनल वालों से। इस रहस्यमय बुखार के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जब जी न्यूज की टीम गांव की गलियों से निकली तो सारा सच हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सवाल ये उठा कि जब गांव में सरकारी अस्पताल नहीं है तो लोग अपना इलाज कहां करा रहे हैं, तो सुन लीजिए। इस गांव की गलियों में हर दो कदम पर छोला छाप डॉक्टर्स ने अपनी फर्जी दुकानें खोल रखी हैं। ऐसा फर्जी डॉक्टर जो हर बीमारी पर ग्लूकोज चढ़ाता है या फिर एंटीबायोटिक दवाएं देता है। आपका क्या नाम है? वासुदेव। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं बैंडेज वगैरह करता हूँ। इंजेक्शन लगाते हैं? थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? 10 क्लास तक। तो मरीजों के साथ आपको लगता गलत कर रहे हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? मेरा भाई। भाई है? कौन डॉक्टर है? आप डॉक्टर हैं भाई साहब? आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? हमने जी बुखार वगैरह, बुखार वगैरह का कौन सी डिग्री है आपके पास? हमने फिजिशियन है। फिजिशियन की? कौन सी फिजिशियन की डिग्री? सिंपल है, कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं है, आप फर्जी डॉक्टर हैं। अगर बुखार वाला मरीज आता है तो आप क्या देते हैं? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। हाँ। उसके अलावा एंटीबायोटिक। ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं? ग्लूकोज भी तो कम चढ़ाता है। एंटीबायोटिक किस आधार पे तय करते हैं? आधार पे तो बुखार जैसे नहीं कंट्रोल होता जब भी इसके दिए। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? टैक्सिन वगैरह, सिफैक्सिन। कैसे पता आपको कि वो एंटीबायोटिक देनी है? जब से कंट्रोल नहीं आ रहा उसके बाद ही दिया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी भी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं तक पढ़ा। ये 12वीं पास डॉक्टर है और सरफाबाद में जब एक के बाद एक लोग बुखार से मर रहे हैं तो वजह आप समझ सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो इनके पास इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पे डस्टबिन अगर हम आपको दिखाना चाहूं, क्योंकि डस्टबिन इनकी पोल खोल देगा। सिरिंज और ग्लूकोज आप देख सकते हैं, कितने बड़े स्तर पर यहाँ लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बैंडेज की जाती है। ये दवाइयां रखी हैं, लिवर की नॉर्मल दवाइयां रखी हैं। इसके अलावा ये अटेंडेंट है, ये 10वीं पास है, ये यहाँ का हाल है। सुना आपने, इनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन ये डेंगू तक के लक्षण होने पर एंटीबायोटिक देते हैं, जो लोगों के लिए जिंदगी की दवा नहीं बल्कि मौत का जहर है। कहा जाता है कि नीम हकीम खतराए जान। सरफाबाद में एक के बाद एक मौत हो रही है, उसके पीछे की वजह है फर्जी डॉक्टर। यहाँ एक और क्लिनिक है, माधव क्लिनिक लिखा गया है, और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि मीडिया वाले गांव में आए हैं, शटर बंद करके चले गए हैं। हालांकि लॉक नहीं किया गया है लेकिन आपको दिखा जरूर देते हैं। ये डॉक्टर है, थेटोस्कोप रखा है, सिरिंज का डिब्बा रखा है। आप ही डॉक्टर हैं सर? कौन सी डिग्री है आपके पास? बस ये अपना आयुर्वेद का है, आयुर्वेद से अपना कर रहे हैं। जो पीछे की दवाइयां मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका दावा है कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ये। कोई ज्यादा बड़ी दवाइयां नहीं, सब एक भी आयुर्वेद की दवाई नहीं है साहब इसमें। इसमें आयुर्वेद की तो कोई दवाई नहीं है। नहीं सर, हाँ आयुर्वेद की दवाई। दिखाएंगे आप अपनी? नहीं सर, अभी तो यहाँ पे पेपर नहीं है। इतना ही नहीं, फर्जी डॉक्टर्स को जैसे ही ये जानकारी मिली कि जी न्यूज की टीम गांव में उनके फर्जीवाड़े की पोल खोल रही है, तो झोला छाप डॉक्टर्स अपना शटर गिराकर वहां से भाग खड़े हुए। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी थे जो सच से भागते हुए अपनी फर्जी दुकान छोड़कर परचून की दुकान में जा छिपे थे। और जब हमने सवाल पूछा तो उनके तेवर क्या थे, आप ये भी देख लीजिए।
जैसे ही हम सड़क पर निकले हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई है, एक के बाद एक फर्जी क्लिनिक है। यहाँ पर भी एक फर्जी क्लिनिक था, अभी शटर डाउन करके गए हैं इसके पीछे, वो दुकान बंद करके भाग गए हैं, ताला वाला कोई इन्होंने लगाया नहीं है, सिर्फ शटर डाउन है, खुला है। और देखिए बीएस मलिक बीएएमएस बेंगलोर जनरल फिजिशियन, इन्होंने लिखा हुआ है माफ़ी चाहते हैं कि हमें ये शटर खुद खोलना पड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ भी एक फर्जी डॉक्टर बैठा है और इस गाँव में हर दूसरी दुकान पर फर्जी डॉक्टर मौजूद है। कितने डॉक्टर हैं भाई साहब यहाँ पे? कई डॉक्टर भी अपनी बहू को वाला कोई फायदा नहीं मिल रहा। बोतल चढ़वा रहे हो? कितने रुपए लिए आपसे? 500 रुपए लिए थे उसने डॉक्टर ने, बीर सिंह ने, तो वो मैंने बोतल चढ़वाई, कोई फायदा नहीं मिला। मैं मेजुआ को दिखाते डोल लिया हूँ 500 रुपए एक बोतल के। मैंने आपको बताया कि 34 रुपए MRP है ग्लूकोज की बोतल पर, उसके 500 रुपए लिए जा रहे हैं। वो डॉक्टर भाई साहब वो हैं? अरे भाई साहब आना जरा एक बार। आप डॉक्टरी करते हैं यहाँ? नहीं करता हूँ। वो किसकी दुकान है? मेरी ना है। स्थानीय लोग तो बता रहे हैं आपकी है। कौन सा स्थानीय लोग बता रहा, कौन सा बता रहा है? तो यार दबंगे ही है आपकी है जो कह रहे हैं। अरे यार तू ये कैमरा पे अपरंग ने हटा ले, उधर कर ले। तो इनका कहना है कि कौन कह रहा है बताओ जरा, तो धमकी का अंदाज है। ये इस गांव की हकीकत है, ये हमें देखकर ही भागे हैं। लेकिन सरफाबाद गांव में एक के बाद एक हो रही मौत के पीछे ये फर्जी डॉक्टर भी एक वजह हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिर मौत की वजह क्या थी। सवाल यही उठता है कि क्या गांव के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर फैले ये फर्जी डॉक्टर इसकी वजह हो सकते हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में फर्जी डॉक्टर्स का धंधा इस कदर फल फूल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में वैसे तो तरह तरह के फर्जी डॉक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फर्जी डॉक्टरों की 3 प्रजातियां सबसे ज्यादा चलन में हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक फर्जी डॉक्टर वो होते हैं जिनके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन वो फिर भी मरीजों को दवाइयां लिखते हैं, मरीजों को देखते हैं। दूसरे फर्जी डॉक्टर्स वो होते हैं जिनके पास आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा की डिग्री होती है, लेकिन वो मरीजों को एलोपैथिक दवाइयां लिखते हैं। और तीसरी तरह के फर्जी डॉक्टर वो होते हैं जिनके पास इंटीग्रेटेड मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री होती है। ये इलाज का वो तरीका होता है जिसमें मरीज के लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव के जरिए इलाज किया जाता है, लेकिन इन डिग्रियों वाले डॉक्टर भी एलोपैथी से इलाज करके फर्जी डॉक्टर बन जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक भारत में फर्जी डॉक्टर्स की संख्या करीब करीब 10 लाख है। भारत में हेल्थ सेक्टर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जुलाई 2016 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में हर 5 में से सिर्फ 1 डॉक्टर ऐसा है जो मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड है। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 19% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल की डिग्री है, जबकि 81% डॉक्टर्स फर्जी हैं। जबकि शहरी इलाकों में 58% डॉक्टर्स के पास मेडिकल की डिग्री है और कम से कम 32% फर्जी डॉक्टर्स हैं। भारत को फिलहाल 7 लाख क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन हर वर्ष भारत में सिर्फ 30,000 डॉक्टर्स ही निकलते हैं। 31% से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सेकेंडरी स्कूल लेवल तक की पढ़ाई की है। 57% से ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। भारत में मिलावटी डॉक्टर्स के साथ साथ ऐसे डॉक्टर्स की भी कोई कमी नहीं जो खून पसीने और मेहनत की बजाय डोनेशन देकर डॉक्टर बन जाते हैं पैसे के दम पर। एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हर वर्ष MBBS की सीटें बेचकर करीब 5,000 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि फर्जी डॉक्टर्स और डोनेशन देने वाले डॉक्टर्स को भगवान कहलाए जाने का हक कैसे दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सदाचारी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में अब लालची डॉक्टर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथी नामक एक गैर सरकारी संस्था की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक बेवजह की दवाइयां और टेस्ट लिखकर डॉक्टर औसतन 6 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं, और ये तो औसत है। आपने भी नोट किया होगा कि बहुत बार जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत तरीके के टेस्ट लिख कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि आप ये खास तरह की दवाइयां ही लीजिए, और आपको कई बार शक भी होता होगा कि क्या वाकई आपको उन सारे टेस्ट की जरूरत है भी या नहीं। और वो टेस्ट भी कई बार कहा जाता है कि आपको एक अमुक लैब या एक अमुक हॉस्पिटल से ही करवाना होता है, और एक खास
ब्रांड की दवा ही आपको लिखकर दी जाती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों को किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से गिफ्ट लेने की मनाही है, वो ऐसी किसी दवाई वाली कंपनी से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2014 में MCI को देश भर से 326 ऐसे डॉक्टर्स की शिकायत मिली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसा लेकर उनकी दवाइयां मरीजों को लिखते थे। और 326 जो शिकायतें मिली हैं, ये तो बिल्कुल एक बूंद के बराबर है सागर के। इससे कहीं ज्यादा डॉक्टर्स ऐसा काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके बारे में रिपोर्टिंग नहीं होती। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक बाजार में जब भी कोई नई दवा आती है तो कई बार डॉक्टर उस दवा को प्रेस्क्राइब करने के लिए दवा बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी से कम 50,000 रुपए की डिमांड करते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को गिफ्ट और मुफ्त सेवाएं देने पर भारी भरकम रकम खर्च करती है। एक अनुमान के मुताबिक देश की 20 सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनियां अपनी दवाओं के प्रचार के लिए हर वर्ष डॉक्टर्स को गिफ्ट बांटने में $60 करोड़ यानी करीब 3600 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में फर्जी और लालची डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अब भी अच्छे डॉक्टर्स की संख्या कहीं ज्यादा है जिन पर आप आंखें मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। हम उन डॉक्टर्स को आज सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने अपना दिन रात एक करके मरीजों की जान बचाने के लिए काम किया है। ऐसे डॉक्टरों और देश के आम लोगों से हमारी यही अपील है कि अगर वो अपने आसपास किसी फर्जी डॉक्टर को देखें या फिर किसी फर्जी डॉक्टर को गलत व्यवहार करता हुआ पाएं तो शांत ना रहें, शांत ना बैठें, बल्कि अपनी आवाज उठाएं। आप चाहें तो फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एंटी क्विकरी विंग को शिकायत भेज सकते हैं। इसके लिए आज हम आपको दो ईमेल एड्रेस दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए और जब भी आपको कभी कोई शिकायत करनी हो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ तो आप इस ईमेल पर, ये जो दो ईमेल एड्रेस हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप शिकायत कर सकते हैं।